जो 22 के प्लेयर बनेंगे उनके नाम को मैसेज बेटा जी। JCLC, मेरा नाम चैन पंचाल है, मैं राजस्थान के डूंगरपुर जिले के रामगढ़ गांव का रहने वाला हूँ। मैंने मेरी माध्यमिक तक की शिक्षा मेरे गांव से ली थी, उसके बाद 11th 12th करने के लिए मैं गवर्नमेंट स्कूल में चला गया था क्योंकि आसपास कोई दूसरी सीनियर स्कूल नहीं थी। तब मैंने 11th 12th वहाँ से की, 12th में मेरा 98% का स्कोर रहा था, तो सबको लगता है 98% आए मतलब बहुत कुछ आता होगा, आराम से नीट निकाल लेगा, पर तब मुझे नहीं लगता था कि मैं इतने ला सकता हूँ क्योंकि तब मेरे दिमाग में बस इतना था नीट बहुत टफ एग्ज़ाम ही हो, तो यूँ लगता था जैसे तैसे करके बस मतलब सेलेक्ट हो जाना है, कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, डॉक्टर बन जाए, बस इतना था दिमाग में। फिर जब मेरे बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए उसके बाद लॉकडाउन लग गया था, थोड़ी दिन मैं घर पे ही था। फिर मेरे पापा ने देखा मतलब CLC से सोशल मीडिया से जुड़े थे, वो उसका एक लाइव देखा था फेसबुक का, उन्होंने बताया मतलब अप्रैल से क्लासेस शुरू होगी है 16 अप्रैल से, तो मैंने वेट नहीं किया, तुरंत CLC में एडमिशन ले लिया। उसके बाद 16 अप्रैल से आज मतलब जब तक नीट का एग्ज़ाम हुआ तब से मैं CLC से जुड़ा हुआ था, 16 अप्रैल 2020 से 2021 नीट के एग्ज़ाम तक इतने दिन मैं CLC से जुड़ा रहा था। इस दौरान बॉस का जब मैंने रिजल्ट आया था 12th का, तब मैंने बॉस को मैसेज किया था, तब बॉस का वापस रिप्लाई आया था जैसे ऑफलाइन शुरू होगी तुरंत देखो CLC बुला मतलब सीकर में बुला लेंगे, बी बिल्डिंग में रख देंगे, मतलब बॉस का कॉन्फिडेंस था एक मेरे। फिर बॉस ने जब बोला मेरे में भी कॉन्फिडेंस आया, मतलब अच्छा करेंगे, नीट की तैयारी करेंगे वहाँ से। बाकी मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट था, मतलब कभी मेरे पे कोई प्रेशर कभी नहीं आया था। हमारे हॉस्टल में हो हमारे वार्डन सर थे, पहले मैं बाबा हॉस्टल में था, रामस्वरूप सर हमारे वार्डन थे, उसके बाद बी बिल्डिंग में गया, वहाँ पर भी मतलब मेरे पे कभी कोई प्रेशर कभी नहीं था, चाहे मैंने बोर्ड की तैयारी की, जब भी नीट की तैयारी करने आया कोई प्रेशर नहीं था, फ्री माइंड मैंने पेपर दिए, कभी नंबर कम भी आते थे पर प्रेशर कभी नहीं लिया, फ्री माइंड पेपर देता था। फिर हमारे जब टेस्ट भी लगते थे, फिर हमारे मेडल सेरेमनी जब होती थी, तो बॉस मतलब कई बार नंबर कम आते हैं, बॉस थोड़ी डांट लगाते हैं, तो थोड़ा उसमें मतलब कॉन्फिडेंस मतलब अच्छा करना है, और मन में इच्छा होती है और अच्छा करेंगे, ज़्यादा नंबर लाएंगे, और तो बस वही था, हमेशा बॉस का सपोर्ट रहा, मोटिवेशन रहा। एक बात मैं कहना चाहूँगा, किसी भी बच्चे की सफलता का सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो होता है उसने कौन से इंस्टीट्यूट सेलेक्ट किया, उसने अपनी मेहनत का बीज कहाँ बोया। क्या बात, हमने मेरे पेरेंट्स मतलब मेरे पिताजी ने सेलेक्ट की थी CLC, उन्होंने देखा CLC बेस्ट है, जहाँ पर मतलब इंस्टीट्यूट का मालिक इतना काम करता है, बाकी कई इंस्टीट्यूट होते हैं जहाँ कोई मतलब नहीं होता है, जो मेन हेड होता है उसको बस चलाने वाला कोई और है, और बच्चों से इंटरेक्शन इतना ज़्यादा, मेरी बॉस से फ़ोन पे भी बात हो चुकी है, वीडियो कॉल किया बॉस ने, घर पे भी जब मैं गया था फाइनल एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले, तब भी बॉस का कॉल आया था, तुझे 700 नंबर से ज़्यादा लाने ही हूँ। तो ऐसा किसी और इंस्टीट्यूट में नहीं होता है कोई मतलब इंस्टीट्यूट का हेड आपसे सीधी बात करे, और जब कोई इंस्टीट्यूट का हेड सीधी बात करता है तो कॉन्फिडेंस लेवल अलग होता है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, इसलिए बॉस को थैंक यू। और मेरे पेरेंट्स ने जिस इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट किया मेरे लिए, वो कभी नहीं चाहते थे कि मैं किसी भीड़ का हिस्सा बनूँ, हमेशा मुझे भीड़ से अलग करना चाहते थे, इसलिए मुझे ऐसे इंस्टीट्यूट में रखा जहाँ मेरी इंडिविजुअलिटी बनी, एक अपनी पहचान बना पाया एक, इसलिए थैंक यू मेरे पेरेंट्स को, सभी मेरे दोस्त जो भी मेरे साथ में थे बी बिल्डिंग में, और भी दूसरे थे जिन्होंने कभी भी मुझे सपोर्ट किया, हम सब साथ में ही थे कभी भी, मतलब बी बिल्डिंग में हम जितने भी थे, कभी मुझे कोई भी डाउट होता मतलब हम पहले आपस में ही निपटा लेते थे उसको, मतलब कोई भी ऐसे डाउट कभी नहीं रहने दिया, कभी भी जो भी टेस्ट होता हमारे लगभग हमने जितने भी टेस्ट दिए 120 130, जब भी हमारे टेस्ट होता यहाँ पर 2-3 घंटे टेस्ट लगता, रूम पे वापस जाते, भले नंबर कम भी आए होते या जितने भी आए होते, जो गलत होते क्वेश्चन उनको वापस देखते, जो टॉपिक नहीं आ रहा था उसको वापस पढ़ लेते तुरंत, मतलब उसी दिन उस टेस्ट या फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जितना कुछ भी होता सब उसी दिन निपटा के देते, और मतलब उसी दिन उस टॉपिक को अपना परफेक्ट कर लेते। ऐसे इन टेस्ट के माध्यम से कम हमारा 3 या 4 बार तो फुल सिलेबस रिविज़न हो गया था, पूरा सिलेबस 3 या 4 बार टेस्ट सीरीज चल गई थी पूरी, और मेरा सिलेबस मतलब जिसे चालू मतलब ख़त्म हुआ था मार्च में, उसके बाद से लगभग 6 महीने तक हमारे कंटिन्यू टेस्ट लगे थे, उसमें हमारी इतनी प्रैक्टिस हो गई, मतलब टाइम बच जाता था पेपर करते टाइम, पेपर हो जाता काफ़ी टाइम बच जाता, वापस चेक भी कर लेते, पर जब शुरुआत हुई थी जब मैं यहाँ पहली बार आया था, जब लगता था बहुत टफ है नीट का पेपर, तब मतलब टाइम भी मैनेज नहीं होता। आपके फर्स्ट माइनर कितने नंबर आए थे? फर्स्ट माइनर में मेरे 650-650 के आसपास थे, मेरे पास 610 थे, 610 थे पहले। मैं आपको देख लेता हूँ, 610 चैन आपका फर्स्ट माइनर जो था वो फर्स्ट माइनर था 670 पे, 633 पे, माइनर का एवरेज है चैन का 631। देखो ये क्वालिटी, इसलिए जो लोग सुन रहे लाइव वो 631 का बच्चा 700 नंबर लेके आ रहा है, इसलिए नंबर थोड़े कम रहते हैं माइनर्स में,
नंबर तक आज भी याद है, 580 थे एवरेज और वो 670 मार्क्स लेके आई थी। तो ये मैसेज देना चाहता हूँ कि शुरू नंबर कम आए तो पैनिक नहीं, प्लीज कंटिन्यू करें बात अपनी। नंबर कम आते रहते हैं, वो तो शुरुआत में मेरे भी बहुत कम नंबर ही थे, ज़्यादा कुछ नहीं थे, पर ये प्रेशर कभी नहीं लिया था मैंने। अगले नए और मतलब टेस्ट तो होने ही थे, चलते रहते, वो 6 महीने लास्ट में हमारे और टेस्ट लगे थे माइनर होने के बाद। धीरे धीरे हर टेस्ट के साथ मैंने सिर्फ इम्प्रूव ही किया है। लास्ट में भी जब हमारे फुल सिलेबस टेस्ट लगते थे तब शुरुआत 650 से ही हुई थी फुल सिलेबस टेस्ट में, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़ते गए। और फिर जब मैं घर पर चला गया था तब मैं दंगल मतलब घर पर दिया करता था ऑफलाइन। दंगल का मतलब मेजर टेस्ट सीरीज फुल सिलेबस में मतलब घर पे देता था ऑफलाइन प्रिंट निकाल के उसका। तो शुरुआत उसमें भी 680 690 धीरे धीरे कंटिन्यू बढ़ते गए थे उसमें 690 695 700 710 तक पहुंच गया था मैं उसमें भी। उसके बाद सीधा नीट का पेपर दिया, उसमें 700 प्लस आ रहे हैं। इसलिए बॉस को पूरे CLC परिवार को जिन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया मोटिवेट किया। एक बात, हमारे हॉस्टल में भी एक जगह पर लिख रखा है मतलब पोस्टर लगा हुआ है हमारे हॉस्टल में, यू आर बॉर्न विथ विंग्स डोंट क्रॉल, मतलब तुम्हारे में इतना टैलेंट है। मतलब कई सारे होते हैं मेरे जैसे और भी होंगे जो जैसे मैं सोच के आया था जैसे तैसे करके नीट क्लियर करना है, बस एक मेडिकल कॉलेज लेना है, लेकिन जो अंदर टैलेंट है वो खुद को पहचानना पड़ता है। या फिर हमारे इधर बॉस ने पहचाना मेरे में टैलेंट है, सपोर्ट किया मुझे मोटिवेट किया। तो उसमें मतलब अपने टैलेंट को एक उड़ान देने की ज़रूरत है, हर एक में टैलेंट होता है, मतलब जो भी है उसमें सब जानते हैं मैं इतना कर सकता हूँ, इतनी कैपेसिटी है मेरी, उसको अपना फुल एफर्ट देना चाहिए, ट्राई करना चाहिए कि मैं अपना बेस्ट करूँ। प्रेशर कभी लेना नहीं है, अपना बेस्ट करना है। जब बेस्ट करेंगे तो आज 4 जन 700 पे, अगले साल और ज्यादा होंगे और बहुत जल्द अगले साल और ज्यादा होंगे, और आते साल कभी हिंदुस्तान टॉप भी करेंगे CLC से। जय CLC। थैंक यू। माइक पकड़े सुनील सर, ये एक चैन बहुत प्यारा सा बच्चा स्कूल से पढ़ के आता, आप जरा बता आपके पापा मम्मी सीकर कितनी बार आए? पापा मेरे को रखने आए थे, उसके बाद 10 महीने में कंटिन्यू यहीं पर था, और पापा कभी नहीं आए मेरे को रखने, एक बार आए मतलब पापा आपको छोड़ने आए, उसके बाद सिर्फ लेने आए, आप बीच में घर गए ही नहीं, 10 महीने कंटिन्यू नहीं था। ये बात काम की है बिल्कुल, मतलब 10 जिस दिन आए उसके बाद आप जिस दिन गए तभी घर गए। 27 अक्टूबर को मैं आया था और अभी 15 अगस्त को गया था वापस। ये ध्यान सुने भाई सुनने वाले, कई बेटे हर सप्ताह के बाद बिस्तर बांध लेते हैं, ऐसे नहीं चैन बनता कोई, हेलो ऐसे कोई चैन नहीं बनता है। कई तो पेरेंट्स हर सप्ताह संभालने आ जाते हैं, खाने का पैकेट रहे यहाँ, यार ये हॉस्पिटल थोड़ा ही भर्ती हो रहा हमारे पास है। तेरे पापा एक बार आए छोड़ने, एक बार आए लेने, मम्मी आई नहीं, ये हिसाब, ये केस श्रवण कर सकता है साहब। और एग्जाम्पल देता हूँ, ये घर चला गया, फिर मैंने पूछा वो छोड़े कहाँ आजकल है, तो बोला घर चला गया, उसको फ़ोन किया मैंने इसको, और ये मेरा रात को 11 बजे इसका मोबाइल से फ़ोन से एडमिशन हुआ हुआ है, आज भी याद है मुझे साहब। दीवार पे लिखने से केयर नहीं होती है। मैं एक बात कहता हूं गार्जियंस, कई बार आप लोग सारी कोचिंग में जाते हैं काउंसलिंग करने, काउंसलिंग क्या हुआ, आदमी हो सकता बोलने बहुत स्मार्ट हो आपको बावड़ा बना दे। अब मैं सीधा माइक लेके आता हूं चारू के पास, चारू बहुत लाडली बेटी, तो चारू अपनी बात रखे माइक को पास रखते हुए, थोड़ा जोश से बोल, एक बार तालियां जोर से बच्चे। मैं चारू यादव बहरोड अलवर की रहने वाली, मैंने 10th तक मेरी स्कूल से करी और फिर 11th में यहाँ पे फाउंडेशन से ज्वाइन हुआ। 11th 12th मैंने यहीं से करी थी, 11th के बाद सिलेबस पूरा हो गया था, उसके बाद फिर लॉकडाउन हो गया था जिसमें हम घर पे ही फंस गए थे, वहाँ पे मेरे पास बुक्स नहीं थी पढ़ने के लिए। 12th पूरी ऑनलाइन गई थी, उसमें पूरा ऑनलाइन ही था, लेकिन फिर भी ऑफलाइन के जैसा ही था वो भी पूरा, उसमें कोई डाउट आता था तो डाउट काउंटर पे तब की तब सेंड करते क्वेश्चन आंसर मिल जाता था। और फिर 12th के सिलेबस मेरा पूरा नहीं हुआ था, उससे पहले ही बॉस का फ़ोन आया था क्योंकि मेरे थोड़े मार्क्स कम आ रहे थे टेस्ट के अंदर ऑनलाइन में। फिर बॉस ने खुद मुझे यहाँ पे बुलाया था, यहाँ पे मेरा फिर सीकर में आने के बाद नेट नहीं चला था तो बॉस ने KVM के अंदर कंप्यूटर दिया था, वहीं पे मैंने फिर मेरी पूरी 12th लास्ट के कुछ किए थे। उसके बाद फिर हमारे डेली टेस्ट हुए थे, पहले MTS, फिर मई में DCM हुए थे, DTS हुए थे, बायोकेम DTS, फिर लास्ट में जो दंगल हुए थे उनके अंदर मेरा एवरेज ज़्यादा था तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा था, और फिर उसी से बस नीट का पेपर दिया था तो फिर उसमें मेरे जो दंगल का एवरेज था उससे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। और कुछ चारू बेटा क्या करना चाहते हैं 12वीं के बच्चों के, आपके साथ के बहुत बच्चे किनारे पर रह गए होंगे, उनको आप क्या करना चाहते हैं? आपके सीनियर सारे सीनियर हैं, बहुत रिपीट करेंगे, क्या करना चाहते हैं आप उनको?
जो सीएलसी ने जो मटेरियल दिए थे हमें, मॉड्यूल दिए थे और एक सिक्स पैक के नाम पे, वो उसमें बायोकेम डीटीएस था और फिजिक्स इको था, प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज क्वेश्चन थे सॉल्यूशन के साथ, उनको ही लास्ट के अंदर मैंने 2-3 बार सॉल्व किए थे और उसी में सारे क्वेश्चन, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर में आते वही इस बार आए थे, उनसे ही रिलेटेड आए थे, उनसे पूरा कवर हो गया था। पेपर से पहले जैसे हमारा जो पेपर था वो इस बार सितंबर में था, पहले अगस्त डेट दी थी तो फिर, लेकिन फिर भी बॉस ने जो शेड्यूल बनाया था वो सितंबर तक बनाया था आगे तक, क्योंकि बॉस को पता था कि पेपर आगे तक होना है, तो फिर मैंने भी आगे सितंबर तक ही पूरी तैयारी करी थी। पेपर से पहले सुनील सर मिलने आए थे, उन्होंने कहा था कि पेपर बहुत आराम से देना है, बिल्कुल भी टेंशन भी नहीं देना। मैंने जब पेपर किया था तो मेरा वो 15 मिनट पहले ही पेपर हो गया था, और मैं जब सीएलसी में देती थी तब भी मेरा 15 मिनट पहले ही पेपर हो जाता था, तो एकदम जैसे सीएलसी में टेस्ट दिया था मैंने सेम वैसे ही टेस्ट दिया था। बॉस ने भी लास्ट में पूजा में बुलाया था तो फिर उसके अंदर एकदम सुबह पहले एकदम ऐसे फ्रेश हो जाते थे, तो उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा था, थोड़ा नहीं वो थोड़ा बड़ा, बहुत बड़ा। अब एक बात था, तूने 2 साल में बड़ी, तूने 2 साल में क्लास कितनी छोड़ी ऑफलाइन में? ऑफलाइन में मेरी शायद 2-3 रह गई थी, दो या तीन बता ना, पूरी ऑफलाइन में केवल 2 या 3 बार आप एब्सेंट रहे। आपने टेस्ट में कुल कितने टेस्ट छोड़े आज तक? 3 छोड़े। ये था। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं सबसे पहले इंट्रो देना चाहूँगा। मैं कोटपुतली में एक छोटा सा गांव है देवता, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। मैं सबसे पहले अपने पेरेंट्स को थैंक्स करना चाहूँगा कि जिस गांव में फौज पुलिस यहाँ तक ही सोच रहती है, उससे बाहर निकल कर उन्होंने नीट की तैयारी के लिए मेरे को यहाँ भेजा। मैं जब सीएल सीकर आया था तो बहुत सारे कोचिंगों के बारे में मैंने सुना था, फिर बाद में यहाँ सीएलसी में आए तो वहाँ पर एडम ब्लॉक में सुनील सर मिले थे, उन्होंने बताया सीएलसी के बारे में। बाद में मैंने सीएलसी में एडमिशन लिया तो मैं बाहर पीजी में रहता था, 2 साल पीजी में रहा, फिर 1 साल मैंने बी बिल्डिंग में रहा। मैं हॉस्टल के बारे में इतना बताना चाहूँगा कि जब मैं बाहर पीजी में रहता तो हर 1-1.5 महीने में घर जाता था, और जब बी बिल्डिंग में आया तो पूरे साल में जब एक बार ही घर गया था। एक मिनट, एक साल एक बार ही, क्या बात है, वो गया नहीं, ये एक बार गया, ये सब बनते हैं साहब, तब आज ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। वो एक बार इसलिए गया था क्योंकि बीमार हो गया था, वो साहिल सर की शादी थी, उसके 2 दिन पहले मैंने बॉस को फ़ोन किया था कि दोबारा से ऑनलाइन क्लास शुरू करवानी है, तो बॉस ने जब भी मैसेज रिसीव किया था दोबारा क्लास चलवाई थी। और जब मैं सीएलसी में आया था 2018 में आया था जून में, तो वो एक छोटी सोच लेके आए थे गांव की, अब की बस गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, जैसे सीएलसी 1996 में पहले सिलेक्शन के लिए, बाद में रैंक के लिए, बाद में अच्छी कॉलेज के लिए, वैसे मेरी भी सोच बढ़ती गई। जब 11th में आए थे तो नंबर कम ही आते थे, एक में 400 भी आए थे, तो ऐसे लगता था बस सब सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। बाद में बैच शफलिंग हुई, अच्छी अच्छी कंपनी मिली, तो उसके बाद मैंने लगा कि अब तो सिलेक्शन ही रैंक के लिए लड़ेंगे। और 12th में जैसे बोर्ड के पेपर चल रहे थे, मेरी एज नहीं थी, उसमें भी मैंने टेस्ट दिए थे बोर्ड के पेपर के बीच में, और लगभग सारे टेस्ट दिए थे जो मेरा 12th का बैच था वो देता था। और 10 सितंबर को भी मैंने टेस्ट दिया था और नीट से पहले, और उसके बाद 13 या 14 सितंबर को मैं सीकर आ गया था और ऑनलाइन क्लास शुरू की थी। ऑनलाइन क्लास बॉस ने केवीएम में लगा रखा था, कंप्यूटर ब्रॉडबैंड सारे वहीं, और लैब भी ओपन कर रखी थी, सभी बच्चे वहीं क्लास लेते थे। बाद में जैसे मैं उसमें टारगेट में गया तो जो आगे बच्चे आगे चल रहे थे उनके ज़्यादा नहीं हो पाए थे, 15-20 बच्चे थे, तो बॉस ने एक बार क्लास बंद कर दी थी। मैं गया था बॉस से दोबारा क्लास शुरू करवाने के लिए, जब बॉस ने शुरू की थी तो आज मुझे भी खुशी है, उस क्लास से 5 बच्चे को, 5 बच्चों का तो मेरे को पता है जिनके 650 प्लस बन रहे। बस मैं इतना ही बोल रहा था, इनके साथ ज़िंदगी जी है मैंने। तो ये राहुल था, बी बिल्डिंग में आप रहे, तीनों बच्चे बी बिल्डिंग रहे, और एक बार केवल आप घर गए, वो भी आपका स्वास्थ्य लूज होने के कारण। अब मैं चाहूंगा कि संजय पुनिया को माइक दिया जाए, आप जेई मेन के 166वें रैंक के साथ टॉपर हैं, आपके पिता एक शॉपकीपर हैं, आप 9, 10, 11, 12 4 साल से पढ़ रहे हैं हमारी केवी स्कूल में। मैं फिर से कह चाहता हूं,
छठी क्लास से बच्चा यदि हमें आप सौंपते हैं गार्जियन, तो रिजल्ट बहुत बेटर बना पाएंगे। हमारा खुद का अपना स्कूल है सीबीएसई का, स्कूल आरबीएसई का, और अगले साल से एडमिशन स्टार्ट कर देंगे एलकेजी से, नर्सरी से। इस बार तो परमेश्वर सरकार की बहुत लेट मिल रही है। हमारा जो स्कूल है चेला से बीआरसी, वहां काम शुरू हो गया है, वहां हॉस्टल, खुद का कैंपस सारा डेवलप हो रहा है। और मैं एक अनाउंसमेंट और कर रहा हूं, 8 मार्च 2022 को मेरे बर्थडे पे सीएलसी नेवी एयरफोर्स एनडीए के लिए सेपरेट एक डिफेंस एंड स्पोर्ट्स एकेडमी स्टार्ट करने जा रही है। ये मुझे गांव में गया तो मुझे लगा इसकी बहुत डिमांड है, तो मुझे सबके लिए काम करना है, वो मेरे अपने हैं। 8 मार्च 2022 को मेरे बर्थडे पे एक विधिवत इसकी शुरुआत कर देंगे। इसके लिए बहुत एक सक्षम व्यक्ति को हम जोड़ चुके हैं हमारे साथ, जो एक साल समझेगा सीएलसी को, फिर 8 मार्च को वो उस डिपार्टमेंट के हेड होंगे और इंस्टीट्यूट संभालेंगे। अब संजय पुनिया अपनी बात रखें। मेरा नाम संजय पुनिया है, मैं खाटू श्याम जी का रहने वाला हूँ। मैं 4 साल से यहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ रूम पे रहता हूँ। मैं यहाँ पे 9th क्लास में आ गया था और मैंने 9th और 10th यहाँ पे प्री फाउंडेशन KVMC की है। फिर इलेवन बोर्ड की एग्ज़ाम के बाद में मैंने यहाँ पे प्री फाउंडेशन कोर्सेज ज्वाइन किए 11th में, और 11th मेरा अच्छे से गया। 8 मार्च को हमारा सिलेबस पूरा हो चुका था, फिर हम घर पर चले गए थे, फिर लॉकडाउन लग गया और 16 अप्रैल से हमारी ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई थी, और लगभग दिसंबर के एंड में हमारा सिलेबस पूरा हो चुका था। और फिर हमारा यहाँ पे मिड सेशन शुरू हुआ, लगभग मिड सेशन हुआ, फिर DTS चला, फिर DCM चला, और अभी दंगल 2 चल रहा है। और मैं लगभग हर टेस्ट मैंने अब तक दिए हैं, लगभग 3 टेस्ट ही मैंने अब तक छोड़े हैं। 3 छोड़े बस केवल, क्या बात है, तुम क्यों ना कर गया इनका। और मैं अब तक 190 टेस्ट दे चुका हूं। 190 साहब, जोर से 190 टेस्ट दिलाए हमारे बच्चे को, 190। बहुत सी कोचिंग तो एक वो बोलते हैं स्पोर्ट्स DPP दे दी हमने, डेली प्रैक्टिस सीट, 190 तो DPP भी कई संस्थाएं देती नहीं, हम तो 190 टेस्ट करवा चुके हैं बच्चे के लिए। हां बेटा कंटिन्यू रखे बात अपने। मेरे JEE Main के पहले 2 अटेम्प्ट उतने अच्छे थे नहीं, फिर 3rd में अच्छा हुआ, 4th तो उससे भी आ गया, रैंक जो बनी है मेरी 4th अटेम्प्ट से ही बनी है। मेरा लगभग अटेम्प्ट सारे स्कोर, लगभग मेरे स्कोर इंक्रीज ही होता हुआ रहा, अब मैं एडवांस के लिए तैयारी कर रहा हूँ। थैंक यू। ये संजय पुनिया जी हैं, भाई ने कुछ कुछ जवाब दिया मेरे को। तूने 2 साल में कितनी क्लास छोड़ी? 2 साल में मैंने अमृतसर झुंझुनू से। जब मैंने 10th पास की थी उसके बाद मेरी दीदी ने बोला था कि अब तुझे कोचिंग में जाना है, स्कूलिंग जाएगा, फालतू 12th के बाद ड्रॉप लेने पड़ेंगे, बिना बात 1-2 साल वेस्ट करेगा। तो फिर मेरे पापा मुझे यहाँ लेके आए सीकर में, बॉस से मिलवाया। फिर स्टार्टिंग में क्लासेस में स्कोर तो कुछ ज़्यादा आता नहीं था, लेकिन बॉस ने शुरू से ही मोटिवेट करके रखा था। बॉस कभी भी डीमोटिवेट नहीं होने देते, नंबर कम भी होते थे तो भी बॉस यही बोलते थे कि अगली बार हमें ज़्यादा अच्छा करना है। 11th में स्टार्टिंग से ही मेरे डाउट काउंटर से भी काफ़ी कनेक्टेड था, जो भी डाउट आते थे टीचर्स या तो क्लास में ही बता देते थे। क्लास छूटने के बाद ये ऑप्शन होता था कि आप टीचर के पास जा सकते हैं, टीचर्स लगभग वहाँ पे 15 मिनट तक बाद में रुकते थे। मैंने खुद ने काफ़ी डाउट्स पूछे हैं सर से, लगभग तो वहीं क्लियर हो जाते थे। अगर आपके डाउट वहाँ नहीं होते आप हॉस्टल में पूछ सकते हैं या डाउट काउंटर आ सकते हैं। 12th में तो लगभग हमारे डाउट भी बिल्डिंग में हॉस्टल में ही हो जाते थे, मैं, विवेक, राहुल, हम सब लगभग साथ ही पढ़ते थे नीचे बेसमेंट में, हमारे डाउट लगभग वहीं आपस में क्लियर हो जाते थे, तो आना ही नहीं पड़ा। जो भी बचते थे वो हम टीचर से वैसे पूछ लेते थे। CLC में फिर एक कैंप का बहुत ही अच्छा रूटीन था। 12th में तो मैं ज़्यादा नहीं आया क्योंकि मोस्टली मैं घर पे ही था 12th में। 11th में मैंने कैंप लगभग आता ही रहता था, कोई 1-2 माइनर मुश्किल से छोटा था, बाकी लगभग मैं कैंप आता था 11th। फिर एक असेंबली, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही था क्योंकि मेरा हमेशा से मेंटल स्टेबिलिटी थोड़ी कमी रही है कि लगभग ऐसे होता था कि मुझे गुस्सा ज़्यादा आता था, फिर मेंटल स्टेट खराब हो जाता था। जो आज पता लगा, फिर बॉस हमेशा ये बोलते थे कि तू असेंबली आ जाएगा, ये तेरे लिए ज़्यादा सही है। वहीं से फिर धीरे धीरे थोड़ी स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई, फिर धीरे धीरे थोड़ी कंटिन्यूटी बनी। फिर बॉस ने जैसे जैसे बताया
मैं वैसे पढ़ता रहा। फिर सुनील सर जैसे टीचर्स थे जो हमेशा फैमिली की तरह ही रखते थे। इलेवंथ में मेरे कान में एक बार प्रॉब्लम हुई थी कि मैं ढंग से सुन नहीं पाता था उस टाइम, एक कान से इसमें प्रॉब्लम आ गई थी। मैंने घर पे भी नहीं बताया था, उससे पहले सुनील सर ने बुला लिया था मुझे, एक तो क्लास में आज इस कान के साथ क्या कर रहा था, तो फिर सर ही लेके गए थे मुझे घर पे, बताना भी नहीं पड़ा था सर को, बिना बताए उन्होंने मेरी प्रॉब्लम ठीक कर दी थी। ये आपके लिए CLC है, ऐसा आपको कहीं और नहीं मिल सकता। और कोई बात? और 12th में स्टार्टिंग में मेरा स्कोर कम ही चल रहा था क्योंकि मैं ज़्यादा क्लासेस भी ऑनलाइन भी ढंग से नहीं ले पाता था, घर पे ज़्यादा ऐसे था नहीं कुछ। बट फिर बॉस ने बुलाया था यहाँ आने के लिए, फिर बॉस ने केवी में कंप्यूटर लगवाया था। वहाँ पे बॉस लगभग हर रोज़ शाम को मिले जाते थे, कभी घर पे बुला लेते थे, कभी खुद हॉस्टल में आते थे। 12th में बॉस लगभग हर रोज़ मिलते ही थे। फिर बीच में मेरी तबीयत ख़राब होने से मैं घर चला गया था करीब 2 महीने टाइमिंग। फिर वहाँ से भी बॉस ने दोबारा बुलाया था कि अब तू आ जा नीट, बस फाइनल स्टेज यही है, अब आ जा। तो उसके बाद बॉस करीब करीब डेली मिलते थे। फिर मेरा स्कोर बीच में घर जाने से कम हो गया था, वो भी बॉस ने मोटिवेट किया कि तू टेंशन मत ले, दोबारा बढ़ जाएंगे। फिर वो धीरे धीरे बढ़ा बॉस के साथ मोटिवेशन। वो पुराने पेपर मेरे कुछ छूट गए थे बीच में, वो भी बॉस के कहने पर मैंने दोबारा किए। 6 पैक बॉस ने बोला था फाइनल डेज में दोबारा करने के लिए, वो मैंने किया। उस हॉस्टल में जितने भी पुराने पेपर थे वो सब जो भी मिल सकता था वो सब मैंने ट्राई कर दिया। मतलब मैं बाहर से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ता नहीं था, सिर्फ NCERT, लेकिन पेपर जो भी मिलते थे वो मैं सोल्व कर देता था। बॉस ने ये बोला था कि एक्स्ट्रा पढ़ने से फालतू डाउट आएंगे, वो सिर्फ आगे दिमाग खराब ही होगा, और लेकिन पेपर जो भी मिले वो करें क्योंकि पेपर ही लास्ट में काम आता है। फिर पेपर के बाद 2 से 5 जनरल हमारा पेपर होता था, तो 5 से 7 हम सब साथ बैठे उसका पेपर सोल्यूशन करते थे। मतलब 4-5 रूम के बच्चे एक साथ आके बैठ जाते थे पेपर सोल्व करने के लिए, जिससे जो भी डाउट होता था, कुछ भी कॉन्सेप्ट खराब हो, वो वहीं पे हम बात करते थे। फिर रात को सब उस टॉपिक को बात करके पूरा वहीं पे हम सोल्व कर लेते थे। 11th तक मैं जैसे 10th पास करके आया तो हिंदी मीडियम से था, 11th में मैं हिंदी मीडियम रहा। फिर टीचर्स ने जैसे हमें गाइड करते रहे, तो बाबूलाल सर ने मुझसे कहा कि आप इंग्लिश से ही पढ़ना शुरू कर दें। तो फिर मैंने बॉस से एक बार डिस्कस कर लिया, तो बॉस ने कहा कि तू इंग्लिश ले ले। तो फिर 12th में जैसे इंग्लिश की क्लासेस स्टार्ट हुई, तो तब से मैंने इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट कर लिया था, और फिर बोर्ड भी हमारा इंग्लिश के अकॉर्डिंग गया। तो उससे इससे आप फ़ायदा रहता है, इससे आप एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर हम हिंदी मीडियम में है तो भी यूँ नहीं कि यार हिंदी के पेपर, जैसे पेपर में भी आप देखते हैं कि पेपर में सबसे फ्रंट लाइन में लिखा हुआ था कि अगर इवोल्यूशन के केस में जो है इंग्लिश को करेक्ट माना जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं इंग्लिश को, बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। मुझे तो मोर ईजी लगा, जबकि हिंदी में बायोलॉजी को पढ़ना बहुत मुश्किल है, ये सभी जानते हैं। इंग्लिश के NCERT से आप पढ़ें, बिल्कुल इंग्लिश के NCERT से पढ़ें, टीचर्स का बिल्कुल सपोर्ट रहता है। अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो बेहिचक आप पूछ सकते हैं। तो जैसा कि हम 11th में जुड़े थे, तब से मैंने बस इंप्रूव करने की ठान ली थी। बहुत से हम शुरुआत में से मुलाकात होती रहती थी हमारे, कुछ रैंडम होते रहते थे, तो तब से हम मिलते रहते थे। और जैसे जैसे रैंडम बॉस कराते गए, सबसे ज़्यादा खास बात CLC में यही है कि आप रैंडम कराते हैं और कौन से स्टूडेंट में कितनी काबिलियत है वो अचानक से सामने आती है, और बॉस उसको सपोर्ट कर जाते हैं बिल्कुल। तब से हम जुड़ते गए और इंप्रूव करते गए, आगे आगे रैंडम हमारे होते गए, फिजिक्स के बायोलॉजी के भी कराते गए, बॉस केमिस्ट्री के कराते गए, उनसे हम और आगे बढ़ते गए। और मैंने 11th में मेरा एवरेज करीब 620 रहा। फिर 12th में कुछ कोरोना का डिस्टर्ब रहा, फिर ऑनलाइन क्लासेस थी तो उनमें भी मैंने पूरा कवर करने की कोशिश की। 11th को भी पैरेलल हम कवर करते गए, बॉस के बॉस हमारे लाइव करवाते थे, जूम पे अलग से मीटिंग होती थी। वो मुझे लगता है कि यूनिक है, वो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कहीं और कोचिंग में से किसी इंस्टीट्यूशन में ऐसा कुछ होता होगा। बॉस इतने बड़े कोचिंग के डायरेक्टर हमारे साथ जुड़े रहते हैं, इस प्रकार जुड़े रहते हैं जैसे एक क्लास का फ्रेंड हो बिल्कुल। तो इससे हम अपनी बात रखने के लिए बहुत ही एकदम बेहिचक रहते हैं, कोई हेजिटेशन नहीं होती हमें, बॉस से हम बात कर लेते हैं। और तभी इम्प्रूव करते गए, इम्प्रूव करते करते एवरेज जब हमारे लास्ट में मेजर होने लगे, और मेजर की तो सबसे खास बात ये रही कि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं था कि इतने सारे मेजर आपके करवाए जाए। मुझे लगता है कि 25 दिनों में करीब 20 मेजर हमने दे दिए थे, और वो काफ़ी बड़ी बात है, इसका इतना ज़्यादा फ़ायदा मिला सभी स्टूडेंट्स को, और उसका एवरेज भी काफ़ी बढ़ चुका था हमारा इम्प्रूव करते करते। तो बॉस हमेशा ये कहते थे कि आपको बस पीछे नहीं गिरना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है, आप आगे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, इम्प्रूव करते जाओ। उसी के साथ CLC जब ये रिजल्ट देती है अपना यूनिक कॉन्सेप्ट, CLC में साथ रखती है, बॉस नए आइडियाज़ निकालते हैं। और इस बार जो 15 दंगल करवाए गए उसका, वो तो सबसे यूनिक कंसेप्ट था जो बॉस ने इसी साल चालू किया, और ये आगे भी इस तरह बढ़ते जाएंगे, अपडेट होते जाएंगे हम। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि CLC जो अपनी लाइन लिखती है कि सफलता के सपने सच होते हैं संस्कारों के साथ, तो संस्कार जो शब्द है CLC ने जो जोड़ा है उसमें अगर 90% कंट्रीब्यूशन है तो हमारी असेंबली का है। जैसे मेरे मेट ने बताया कि असेंबली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको पूरी तरह से बदल देगी, पूरी तरह से बदल देगी। ये जो यूथ है हमारी एज का, इसमें देखो डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा रहता है, आप डाइवर्ट हो जाते हैं, इधर उधर डिस्टर्ब हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने उसी एज के साथ, एज पर्सन वाले के साथ हैं, उसी ग्रुप में हैं जो अभी पूरी तरह से अपना भलाई बुरा नहीं समझ सकता। तो उसके लिए आप असेंबली से पूरी तरह से जुड़े रहें, पूरी तरह से जुड़े रहें। मैं जब CLC आया तो फर्स्ट टाइम मैंने असेंबली को देखा और मुझे ऐसा फील आया कि तो मैं लगता है एक फैमिली को छोड़ के दूसरी फैमिली में आ गया वापस।
और फिर तब बोस हमारे साथ हनुमान चालीसा करते हैं, जैसे मंदिर में हमारे मम्मी पापा के साथ हम हनुमान चालीसा करते हैं, पूजा करते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो तब से असेंबली से जुड़े रहे, असेंबली में मोटिवेशन सेमिनार होते हैं, संडे को हमारी एक बड़ी असेंबली करवाई जाती थी जिसमें मोटिवेशन सेमिनार होते थे, मेडल्स सेरेमनी की जाती थी कम्प्लीटली। तो वो बहुत ज़्यादा संस्कार आपको देती है, और बोस जैसा कि म्यूज़िक के कॉन्सेप्ट को साथ लेकर रखते हैं कि स्टूडेंट को कैसा एक मतलब गुड उसको माइंड, जो माइंड को एक अच्छी फीलिंग से पढ़ाई की ओर लगा के रखे, वो सब बोस पूरा ध्यान रखते हैं। मतलब इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि आप सोच नहीं सकते, इतना माता पिता को जैसे मालूम होता है कि बच्चे को कैसे पालना है, बट इस यूथ में आने के बाद उसको संस्कारों से सफलता तक कैसे पहुँचाना है वो शायद बोस से अच्छा कोई नहीं जानता। दो तीन प्रश्न खड़ा करूँ तेरे से मैं। बस पहला प्रश्न तो ये है कि आपके नीट में कितने क्वेश्चन छूट गए पढ़ने से? छः क्वेश्चन छूट गए, छः क्वेश्चन छूट गए फिजिक्स में, फिर भी स्कोर क्या बन रहा है? 765 मैं अलवर का रहने वाला हूँ, मेरी 11th अलवर CLC से है। तो अलवर CLC में मेरा स्कोर काफ़ी अच्छा चल रहा था, तो फिर एंड में आते आते लॉकडाउन लग गया, तब भी हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ा। शुरू में भी मेरा काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही ऑनलाइन में, पहले टेस्ट में मेरे 665 मार्क्स थे और सेकंड रैंक थी, पर एंड में आते आते मैं बहुत डिस्टर्ब हुआ था। उसमें मैं अपनी गलती मानता हूँ, मैं कोचिंग को कुछ नहीं कह रहा कि मैं कुछ, एक तो ऑनलाइन की वजह से, जैसे फ़ोन की वजह से ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहा, फिर नेटवर्क की प्रॉब्लम थी, तो मेरी काफ़ी ख़राब गई थी 12th। एंड में ऐसा लग रहा था अगर मैं घर पर रहा तो मैं बस मार्जिन बैठ कर रह जाऊँगा। फिर एंड में बॉस की एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करी कि सारी बार 12th के बच्चों से बात करें बॉस, तो फिर उसमें बॉस को मैं दिखा, तो बॉस ने कहा कि तू तुरंत सीकर आ जा। मैं आया सीकर, पर मेरे को सबसे बड़ा डर तो ये था मैं सीकर रहूँगा कैसे, क्योंकि मैं भी अजय की तरह नवोदय से भागा हुआ हूँ। मैं 9th में, मैंने 4 दिन रात 4 दिन अपने पेरेंट्स को बुलाया कि मैं नहीं रह रहा यहाँ। तो फिर अब एंड में मेरे घर वालों को यकीन नहीं था कि रह लेगा किसी भी तरह से, पर मैं ताई जी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि एक बार भेज के देखो इसको, एक मौका दो, ये रह लेगा। फिर मैंने वीरेंद्र सर से भी कहा मैं नहीं रहूँगा, वीरेंद्र सर ने कहा कि देख एक बार तो कोशिश कर। मैं आया, पर मुझे खुद को यकीन नहीं होता मैं कैसे 3-4 महीने लगातार रह लिया, ना मेरे पेरेंट्स मिलने आए ना मैं घर गया, मुझे खुद को यकीन नहीं होता मैं कैसे रह लिया यहाँ। एक फ्लो चला स्टडी का और उसी में पता ही नहीं चला क्या हो गया, और हम कंटिन्यू लगे रहे। फिर धीरे धीरे स्कोर बढ़ने लगा, पहले मिड सेशन चली, फिर बायोकेम चली, फिर 12th के लिए डेली टेस्ट सीरीज चली, इससे हमारी काफ़ी परफॉर्मेंस और एक्यूरेसी बहुत इंप्रूव हो गई हमारी, हम सिली मिस्टेक बहुत कम करने लग गए थे। फिर एंड में आते आते मेरा स्कोर 675-80। मैं बता दूं बेटा, आपका दंगल का स्कोर, कैमरा पास रहे, 671 है, ये CLC साहब, आपका दंगल का एवरेज 671, एग्जाम में 670 के आसपास, 70 लो साहब, ये CLC साहब, ये कैमरा पास कर लो, मतलब ये है साहब क्वालिटी। और इस बच्चे ने टीका चार लगातार यहाँ पे, घर कितने बार गए बीच में? मैं घर में एक बार ही गया, एक बार बीच में गया, क्या फिर वापस आया था, फिर उसके बाद एंड में बस जब नीट आ गई तब गया था, तो मैं बस एक बार ही घर गया। अब मेरे को खुद को यकीन नहीं हो रहा मैं कैसे रह लिया, ये शायद पेरेंटल केयर ही है इनकी और बॉस का सपोर्ट ही रहा कि मैं यहाँ रह लिया। फिर दूसरी बात ये आती है कि कोचिंग मतलब हर जगह है, मैंने क्या अलग देखा यहाँ पर वो बताता हूँ मैं। अलवर में भी क्लास लगती है, यहाँ पर भी लगती है, पर यहाँ पर बंदा नीट को जीता है, हर बच्चा नीट को एक ऐसे, मतलब वहाँ तो हमारे पास हर तरह की डिस्ट्रेक्शन है, हर तरह के दोस्त हैं, हर TV है, मोबाइल है, यहाँ तो क्या है हमारे पास, बस सुबह शाम नीट की बातें, मैथ्स में नीट की बातें, पढ़ाई की बातें, टेस्ट की बातें, बस यही है। तो यहाँ बच्चा नीट को जीता है एक तरह से, और बॉस भी इसी की बात करते हैं, तो और कोई अल्टरनेट बचता ही नहीं है, तो बस वह तो फिर रिजल्ट आना ही है। तो फिर बाद में जैसे अब चलता रहा दंगल, चले दंगल से काफ़ी, मतलब ये दो चीज़ बहुत अच्छी रही, एक तो फिजिक्स सीखो, एक दंगल। फिजिक्स सीखो से हमारा तो सारा फिजिक्स का डर निकल गया, 180 भी लगने लग गया फिजिक्स में, और दंगल तो रहा ही था। फिर दूसरी बात, मेरे को एक अलवर में इतना था नहीं USS का क्रेज, मैंने यहाँ की USS करी, और मैं हकीकत बताऊँ ना, मतलब नीट में इस बार कई क्वेश्चन फिजिक्स में USS से ही आए, और कई क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे दिखा सकता हूँ जो मैं कह दूंगा कि CLC के पेपर में आए, मैंने खुद देखा है कि वो CLC के पेपर से हैं। और बॉस की अगर मैं बात करूँ तो जैसे बॉस हमें मंदिर में बैठाते थे एंड के टाइम में कि हम डीमोटिवेट ना हो, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि कोई डायरेक्टर बढ़ा रहा है, हमें ऐसा लगता था कि जैसे मेरे दादा दादी ताऊ जी ताई जी आगे पूजा कर रहे हैं, हम पीछे बैठे हैं, ये बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। और बाकी हम बी बिल्डिंग में रहते थे तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मिला मेरे को, सबसे अच्छा तो सारे बी बिल्डिंग से अच्छा हूँ, बस चारों और संजय पूनिया बाहर, बाकी चारों बी बिल्डिंग से ही है। सबसे अच्छी बात तो यही रही कि वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है,
कभी एक तो वार्डन आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा, वार्डन का एक आपके ऊपर दबदबा रहेगा ही, कि जैसे कैंप होता था जब, तो भावस्थली में कैंप लगता था, हमने 12-12 घंटे कैंप लिए और वार्डन ज़बरदस्ती ही भेजता था, हमारा मन नहीं होता था, लेकिन वो आज फ़ायदा दे गया हमें, वो हमें बहुत फ़ायदा देगा। बॉस ने कही कि सारे बी बिल्डिंग वालों को तो लाना ही लाना है किसी हालत में, तो वो आज हमें फ़ायदा दे रहा है। और बाकी एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ पर, क्योंकि अपन घर पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होते हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा जो ब्रांचों में या फिर कहीं पे भी पीजी लेके रहते हैं वो यहीं आएँ, वो और कहीं ना भटके, क्योंकि यहाँ पर अब पैसे खर्च कर रहे हैं तो सही जगह ही खर्चते हैं, यहाँ पर सही जगह लगेगा और अपने को अच्छा एनवायरनमेंट मिलेगा सारा। इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि आप सीकर आएँ और बी बिल्डिंग रहे, बी बिल्डिंग कोशिश करें कि बी बिल्डिंग मिले आपको, बी बिल्डिंग मिल जाए। पहले आप अपनी परफॉर्मेंस दिखाएं, उससे आपको बी बिल्डिंग मिलेगी। जैसे आज मेरा एक दोस्त है अलवर ब्रांच का, उसको बी बिल्डिंग मिल चुकी है अपनी नीट के नंबर से, तो मेरे को, मैं पूरा श्योर हूँ आराम से SMS के ऊपर जाएगा उसकी, कुछ मतलब थोड़ी सी मिस्टेक हो गई वरना वो बहुत अच्छा कर जाता, तो मुझे पूरी उम्मीद है वो आराम से SMS के ऊपर जाएगा। और बॉस हमारी भी गलती हो गई, हमसे भी कुछ नीट के पेपर में, हमें भी आइडिया नहीं था कि ऐसा भी होगा, और एक हमें ये भी नहीं पता था कि इतनी फॉर्मेलिटीज़ होती है नीट के पेपर में, तो हमारा टाइम नहीं बचा था इतना, तो हमसे गलती तो हुई है, पर हम ये वादा करते हैं कि हम पीजी में आपको अच्छा रिजल्ट देंगे।